फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ मीवी के कॉलर टू नेक बैंड को। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, काफ़ी सारे कलर्स में भी हमको देखने को मिल जाते हैं और कितने के ये आते हैं और कैसी क्वालिटी है इसकी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। इसके बॉक्स है तो काफ़ी कलरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रीमियम क्वालिटी वाला बॉक्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ग्रीन और ब्लैक कलर देखने को मिलते हैं और काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग कर रखी है लोगों ने, उसके ऊपर मेड इन इंडिया भी काफ़ी जगह मेंशन किया है। बढ़ते बॉक्स कंटेंट के अंदर, यहाँ पे हमको मिल जाता है एक चार्जिंग के लिए यूएसबी केबल और दो एक्स्ट्रा एयर ट्यूब्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पे एक नेक बैंड में हमको देखने को मिल जाता है और उसी के साथ साथ कुछ हमको डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बात करें अगर नेक बैंड की, तो ये नेक बैंड हमको मिल जाता है सिलिकॉन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है, काफ़ी हद तक हम इसको मोड़ भी सकते हैं। और अगर बात करें इसके हेड की, राइट साइड हेड की, तो यहाँ पे आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। वहीं पर हम बात करें अगर लेफ्ट हेड की, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन और मल्टी फंक्शन बटन और उसके साथ साथ माइक और एक एलईडी लाइट भी देखने को मिल जाता है। और वहीं पे माइक के हेड पे हमको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है जहाँ से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी यूनिक ये लोग ने बनाया है और काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर काफ़ी प्रीमियम लगता है और अगर दूसरे कलर आप देखो, जैसे मैंने रेड भी इससे देखा है, तो रेड उतना प्रीमियम दिखने को नहीं मिल रहा था जितना ये ब्लैक कलर प्रीमियम दिखता है। बात करें अगर एयरबड्स की, तो यहाँ पे हमको मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और साथ साथ एक मैग्नेट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर ऐसा कोई फीचर हमको देखने को नहीं मिलता है। और ये ईयरबड्स कंप्लीट प्लास्टिक के हैं, इसके अंदर कोई एल्युमिनियम वगैरह और कुछ यूज़ नहीं किया गया है, ये हमको प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी छोटे होने की वजह से कान में काफ़ी अच्छे से सेट हो जाते हैं और आपके कान में कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी फेस करने को नहीं मिलती है। मैंने इसे काफ़ी देर तक यूज़ किया है, काफ़ी अच्छे से कान में टिके रहते, गिरते भी नहीं है। बढ़ते इसके साउंड क्वालिटी के ऊपर, तो साउंड क्वालिटी यहाँ पे हमको इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर 10 mm का ड्राइवर यूज़ किया गया है। जी हाँ, और उसके अलावा इसका जो साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, जिससे काफ़ी अंदर तक कान में चले जाते हैं, तो यहाँ पे साउंड जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेरे को मिला है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि बेस और जो ट्रेबल है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन साउंड क्वालिटी में बाकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और काफ़ी हद तक लाउडनेस भी हमको यहाँ पे मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी हमको सुनने को मिलती है। बात करें अगर इसकी माइक क्वालिटी की, तो माइक क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलती है, क्योंकि इसका जो माइक है बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड में होता है और काफ़ी अच्छी आगे वाले को इसकी आवाज़ जाती है। मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा कॉलिंग की और मैंने देखा कि हर किसी को मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर जा रही थी। मैंने इसे वाइल ड्राइविंग भी यूज़ किया और तो ड्राइविंग में भी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है, क्योंकि ड्राइविंग के टाइम में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत जाती है जब हमारे पास TWS हो, लेकिन ये नेक बैंड में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं गई। काफ़ी अच्छे से आगे वाले को हमारी आवाज़ चली जाती है और मैं वाइल ड्राइविंग काफ़ी अच्छे से बात भी कर पा रहा था। एक सैम्पल ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है, तो ये आप सुन सकते हो। फ्रेंड्स, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो, ये है मीवी के कॉलर टू नेक बैंड की। मैं आउटसाइड में हूँ और आप खुद ही जज कर सकते हो कि आउटसाइड में इसकी आवाज़ ड्यूरिंग कॉल कैसी आती है, कैसी इसकी माइक क्वालिटी है। मेरे सामने थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, आप खुद ही जज कर सकते हो कि इसकी क्वालिटी आपको कैसी सुनने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसकी बैटरी कितनी एमएएच की, मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे देखने को मिला ना ही इन्होंने कहीं मेंशन किया है, लेकिन मीवी ये क्लेम करता है कि आप इसे 10 मिनट चार्ज कीजिए और ये 10 hours तक चल जाएगा, लेकिन लो वॉल्यूम पे। अगर आप वॉल्यूम अगर ज़्यादा यूज़ करते हो तो हो सकता है कि ये ज़्यादा देर तक ना चले। और मीवी का क्लेम है कि आप इसे 40 मिनट तक चार्ज कीजिए, ये फुल चार्ज भी हो जाएगा। मैंने इसे कंटिन्यू यूज़ किया, मैं फुल साउंड पे तो यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन नॉर्मल मैंने इसे कंटिन्यू यूज़ करने पर मैंने देखा कि मुझे ये एक दिन काफ़ी अच्छे से ईजिली निकल गया, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं गई और फिर भी मुझे दूसरे दिन थोड़ी बहुत चार्जिंग देखने को मिल गई थी इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें आईपी रेटिंग की, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें इतनी आईपी रेटिंग हमको देखने को मिलती है, लेकिन मीवी का क्लेम है कि ये हमको डस्ट एंड स्प्लैश ऑफ देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके टच कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे काफी सारे टच कंट्रोल हमको देखने को मिल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके मल्टी फंक्शन बटन से। अगर आप इसे 1 second के लिए प्रेस करके रखते हो तो ऑन हो जाते हैं और अगर आप इसे 3 second के लिए प्रेस करते हो तो ऑफ भी हो जाते हैं। और अगर आपको म्यूजिक प्ले पॉज करना हो तो मल्टी फंक्शन बटन को एक बार प्रेस करने से म्यूजिक भी प्ले पॉज कर देते हैं। वहीं पर अगर आपको कोई कॉल आ रहा है, अगर आपको अटेंड करना हो तो मल्टी फंक्शन बटन को एक बार प्रेस करने से कॉल अटेंड भी हो जाता है और एक बार प्रेस करने से कॉल कट भी हो जाता है। और अगर आपको गूगल या सीरी अवेक करना हो तो मल्टी फंक्शन बटन को 1 second के लिए प्रेस करके रखिए, आपको गूगल असिस्टेंट को भी अवेक कर देगा। और मान लीजिए कोई कॉल आ रहा है जिसे आप इग्नोर करना चाहते हो, तो इस मल्टी फंक्शन बटन को एक बार प्रेस करके होल्ड कर दीजिए 1 second के लिए, तो ये कॉल को भी इग्नोर कर देता है। और भी बहुत सारे फीचर मल्टी फंक्शन के हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, कॉल को म्यूट करना हो या स्विच करना हो तो ये भी मल्टी फंक्शन बटन काफ़ी कुछ अच्छे से मैनेज कर लेता है। एक बार आप मैनुअल देख लीजिए, उसमें काफ़ी कुछ अच्छे से मेंटेन किया गया है। और बात करते हैं वॉल्यूम अप डाउन बटन की, अगर आपको नेक्स्ट म्यूजिक पे जाना हो तो वॉल्यूम अप बटन को एक बार प्रेस करके होल्ड करके रखिए 1 second के लिए, तो नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाता है। और अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन को 1 second के लिए प्रेस करके रखते हो तो प्रीवियस सॉन्ग पे भी आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें स्पेशल फीचर की, तो यहाँ पे एज सच कोई स्पेशल फीचर हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल जो TWS होते हैं, जो 1200-1300 rupees के आते हैं, उसी हिसाब से TWS भी हमको देखने को। और फ्रेंड्स, अगर बात करें लेटेंसी की, तो यहाँ पे एस सच कोई अच्छी लेटेंसी हमको देखने को नहीं मिलती है। ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि आपको गेमिंग में भी आपको सपोर्ट करे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इसे गेमिंग के लिए सोच रहे हो तो इसे बिल्कुल भी ना लें, ये गेमिंग के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थिंग्स आई लाइक की, मुझे क्या क्या इसके अंदर पसंद आया। सबसे पहले तो इसकी साउंड क्वालिटी,
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे साउंड क्वालिटी देखने को मिली है। 10mm की ड्राइवर है और काफ़ी छोटे काफ़ी अंदर तक से जाए तो साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे मिला है। उसी के साथ साथ इसकी माइक क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। तीसरी बैटरी काफ़ी देर तक ही चल गए, मेरी यूसेज के हिसाब से मुझे पूरा दिन चल गया और दूसरे दिन में इसके अंदर काफ़ी हद तक बैटरी बची हुई थी, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे बैटरी इसके अंदर काफ़ी पसंद आई। उसके अलावा इसका जो वेट है वो काफ़ी कम है, तो ऐसा भी लगता भी नहीं कि आपने कुछ ज़्यादा कैरी करके रखे हो, पता भी नहीं चलता बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक पसंद आई है। फ्रेंड्स बात करते हैं थिंग्स आई डोंट लाइक और इसके प्राइस की, दोनों एक साथ कर लेते हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये हमको मिलते हैं 1200 रुपये में, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1200 रुपये में मैं अगर इसे कंपेयर करूँ तो इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो मुझे पसंद नहीं आई हो, 1200 के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर बात करें इसके प्राइस की तो सेल पर इसका 1200 रुपये था, लेकिन अब इसका रेट 1400 रुपये हो गया है, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि अब ज़्यादा हो चुका है, इतना नहीं होना चाहिए था। 1200 रुपये में ये काफ़ी अच्छे हैं, 1200 के हद तक जितने भी फीचर हमको इसके अंदर मिल जाते हैं 1200 के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो फ्रेंड्स मेड इन इंडिया ये प्रोडक्ट है, काफ़ी हद तक मुझे पसंद आया कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली जो नेक बैंड मुझे देखने को मिली है पहली बार मीवी ने बनाया है, काफ़ी अच्छी मुझे लगी और मैं बोल सकता हूँ कि 1200 के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आपको ये परचेस करना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगे, और आपको वीडियो पसंद आते इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ में लाते रहता हूँ, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इसे किससे कंपेयर करूँ, वो वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। सो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले और जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।